हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ नीति बेरवा। आज हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि जो मोलिक्यूल्स है उनमें डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं। तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और एटम्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा एटम प्रेजेंट होंगे, उतना ही उसमें मोशंस होंगे। अब मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनको एक बॉल्स के रूप में कंसिडर करते हैं, और जो बॉन्ड है उसको एक स्प्रिंग के रूप में मानते हैं। जो इलास्टिक होती है उसको हम खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो इलास्टिक है उसके दोनों कॉर्नर्स पर हम एटम्स को कंसिडर करते हैं, और जो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम इलास्टिक स्प्रिंग के रूप में कंसिडर करते हैं। इफ सम ऑफ दीज मोशंस आर कंसिडर नॉर्मल, दे आर नोन एज नॉर्मल और फंडामेंटल मोशन और वाइब्रेशंस। कुछ जो के अंदर मोशंस होंगे, अगर वो नॉर्मल मोशंस है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मोशंस बोलेंगे या नॉर्मल मोशन भी कहते हैं। अब ये जो वाइब्रेशंस होंगे उस मॉलिक्यूल में, उनकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगी, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। दस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल इन विच ईच एटम एज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हैव सम सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या उसके अंदर हम मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो उन्हें पॉली एटोमिक भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन्हें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में कंसिडर करते हैं ईच एटम को, और उनकी कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, और उनकी कुछ और इन सभी एटम्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सेम होगी और सेम फेज ऑफ मोशन होगा उनका। इफ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होती है, एंड देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन इन द मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो नहीं होगा। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स पे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3n, तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, और 3n क्या है, आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो किस पर डिपेंड करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग n एटम द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर 3n-5। हमने पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला देख दो फॉर्मूले देखे थे, लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी वाइब्रेशन जो मोड है उनके उनकी क्या फॉर्मूला होगा, 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और बेंडिंग वाइब्रेशन को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, सीजरिंग, बैगिंग, रॉकिंग और ट्विस्टिंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। प्रकार के वाइब्रेशन में हम एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम जो मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनको बॉल्स के रूप में कंसिडर करते हैं, और उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको स्प्रिंग के रूप में कंसिडर करते हैं, जो कि इलास्टिक होती है, मतलब उसको अपन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको खींच सकते हैं और दबा सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या करते हैं, हम दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इनके जो बॉन्ड की एक्सिस है वो सेम रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। इस प्रकार के मोड ऑफ वाइब्रेशन में किसी भी प्रकार के डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। यहाँ पर मेन बात क्या है,
की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं हुआ है। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फिर से दो प्रकार का होता है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिक वाइब्रेशन। व्हेन द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन अकर्स इन सिमेट्रिकल मैनर, मतलब कि जब हम स्ट्रेचिंग और जो कंप्रेशन हम जो बोन को खींच रहे हैं और कंप्रेस कर रहे हैं, अगर वो सिमेट्रिक मैनर में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम एक साथ बोन को खींचे या एक साथ बोन को दबाए, अगर वो सिमेट्रिक मैनर में होगा टाइप के वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 ग्रुप, ये हम आगे देखेंगे। सेकेंड टाइप का जो वाइब्रेशन है वो अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन, व्हेन द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन अकर्स इन अनसिमेट्रिक मैनर, मत इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो दो एटम्स है उनके उसके जो बीच का बॉन्ड है उसको एक एक एटम की साइड से हम खींच रहे हैं और दूसरे एटम की साइड से हम उसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों जो प्रोसेस है, कंप्रेशन और जो भी स्ट्रेचिंग की जो प्रोसेस है, वो एक साथ नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिमेट्रिक नहीं हो रही है। इस टाइप की वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। व्हेन वन बोन इज कंप्रेस्ड व्हाइल द अदर बोन इज स्ट्रेचिंग, एक बोन को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और दूसरे बोन को हम खींच रहे हैं, तो इस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसको देखकर आप सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो वाइब्रेशन है उसको आसानी से समझ सकते हो। हमने यहाँ पर CH2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। आप लोग ए डायग्राम देखिए सिमेट्रिक, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो कार्बन से जो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन पर एक उनको एक उनके बीच का जो बॉन्ड को हम एक साथ कंप्रेस कर रहे हैं और एक साथ खींच रहे हैं, तो इस टाइप का वाइब्रेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक वाइब्रेशन। लेकिन एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में देखिए आप एक साइड के जो CH2 बॉन्ड है उसको हम एक साइड का जो CH बॉन्ड है उसको हम दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड का जो CH बॉन्ड है उसको हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा। तो इस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। नीचे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है CH2 का, इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं आप लोग। सेकंड टाइप का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसे हम डी फॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। इन बेंडिंग और डी फॉर्मेशन वाइब्रेशन एटम मूव्स इन एंड आउट ऑफ द बॉन्ड एक्सिस प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप के वाइब्रेशन में जो जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो आउट ऑफ द प्लेन और अबोव ऑफ द प्लेन क्या करते हैं, उनको अपन मूव कर सकते हैं एटम्स को। सो दीज वाइब्रेशन इन, अगर अपन एटम्स को आउट ऑफ द प्लेन और इन ऑफ द प्लेन अगर मूव करेंगे तो उनका जो बॉन्डिंग एंगल है वो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा, तो इस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन। अभी बेंडिंग वाइब्रेशन होता है वो फिर से चार भागों में डिवाइड किया जाता है। अब हमने बेंडिंग वाइब्रेशन में दो टाइप्स की कंडीशन देखी थी, इन द सेम प्लेन एंड आउट ऑफ द सेम प्लेन, हम क्या करते हैं एटम्स को मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इन द सेम प्लेन कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो दो टाइप्स का होता है, रोकिंग वाइब्रेशन और सीजरिंग वाइब्रेशन। इन फर्स्ट है रोकिंग वाइब्रेशन, इन दीज मोड ऑफ वाइब्रेशन द टू एटम जॉइनिंग ए सेंट्रल एटम मूव बैक एंड फोर्थ इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोकिंग वाइब्रेशन में जो दो एटम्स है जो सेंट्रल एटम से अटैच है वो क्या करते हैं रोक, जिस फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वॉच देखी होगी ना जिसमें पेंडुलम वॉच होती है उसके अंदर वो लेफ्ट और राइट ऐसे मूव करते रहते हैं, तो सेम उसी प्रकार से क्या होगा, रोकिंग वाइब्रेशन होगा। सीजरिंग वाइब्रेशन, इन दीज मोड ऑफ वाइब्रेशन टू एटम्स जॉइन टू ए सेंट्रल एटम मूव टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। सीजरिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने सीजर देखी होगी, तो सीजर में जब अपन सीजर को चलाते हैं तो जो दोनों उसके जो कॉर्नर्स है वो एक साथ आते हैं, एक साथ पास आते हैं और एक साथ दूर जाते हैं, तो उस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सीजरिंग वाइब्रेशन। सेकेंड टाइप का जो कंडीशन है वो आउट ऑफ द प्लेन, अब जो रोकिंग और सीजरिंग वाइब्रेशन हमने पढ़ा है वो इन द सेम प्लेन है, मतलब जिस प्लेन में एटम सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उसी प्लेन में दोनों मॉलिक्यूल दोनों जो एटम्स हैं वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जो बी टाइप की कंडीशन है उसमें जो एटम्स है वो आउट ऑफ द प्लेन जाकर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो फर्स्ट है वेगिंग,
इन दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन द स्ट्रक्चरल यूनिट मूव बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की जो कंडीशन में सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच है वो आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ पीछे, दोनों एक साथ आगे जाएंगे। यहाँ पे हमने प्लस के साइन से दिखाया गया है उसको, आप लोग आगे चलोगे तो देखोगे, आगे की स्लाइड में देखोगे। सेकंड जो है वो है ट्विस्टिंग, जिसे अपन जब मूव करते हैं तो अपने पैर एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे होता है, तो जो ट्विस्टिंग आउट वाइब्रेशन है वो उसी प्रकार से वर्क करता है। जबकि वेगिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, दोनों एटम्स एक साथ पीछे आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे और फिर वापिस प्लेन में आएंगे, तो ये वेगिंग वाइब्रेशन होगा। फर्स्ट टाइप का जो वाइब्रेशन था वो था रोकिंग वाइब्रेशन। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो कार्बन से अटैच दोनों हाइड्रोजन से है, या दोनों दो सी एच बॉन्ड है, वो एक साथ राइट साइड मूव करेंगे और एक साथ लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो रॉकिंग प्रकार एक वॉच में जो पेंडुलम मूव करता है उसी प्रकार ये मूव करेंगे। बी टाइप का जो वाइब्रेशन है वो सीजरिंग, इस प्रकार अपन सीजर को यूज लेते हैं तो दोनों एटम पास आते हैं फिर दोनों दूर जाते हैं, तो उसी प्रकार क्या होगा, सीजरिंग वाइब्रेशन। वेगिंग वाइब्रेशन में क्या होगा कि इनमें जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन टाइप का वाइब्रेशन है, तो इसमें दोनों एटम्स एक दूसरे के पीछे जाएंगे, दोनों एटम एक दूसरे के पीछे जाएंगे और फिर दोनों आगे आएंगे, तो एक साथ आगे पीछे, जिनको प्लस माइनस से हमने दिखाया हुआ है। ट्विस्टिंग में जिस प्रकार अपन मूव करते हैं तो अपना एक पैर आगे जाता है, दूसरा पीछे, तो उसी प्रकार एक एटम पीछे जाए, एक बॉन्ड पीछे जाएगा, एक बॉन्ड आगे आएगा, तो इस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। जो रॉकिंग और सीजरिंग वाइब्रेशन है वो इन इन द सेम प्लेन वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, और जो वेगिंग और ट्विस्टिंग वाइब्रेशन है वो आउट ऑफ द प्लेन वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा।